Welcome back, everybody. It's often bahut important, Aurat ke liye was pregnant, to stay fit and healthy. And that includes exercise. Lekin kuch log think that aap kya exercise kar sakte hain whilst pregnant? Well, to find out what exercises you can do and whether you should do exercises, we're joined by hamara agle mehman, who is Ms. Faha Nadeem, who's a physiotherapist. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, exercise kya kar sakte hain whilst pregnant? Yeah, sure. I mean, ye bahut zaruri hai exercise karna. Magar ehtiyat jo kehte hain ki thoda rest karna chahiye, to kya? Balki aajkal latest ye hota hai ki jitna aap active rahenge, utni hi aapki jo delivery hai wo easy hogi. Balki jitna aap zyada rest karenge, to aapko end mein jaake zyada problem hoga. और अगर आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करते हैं तो आप ज़्यादा फिट रहेंगे और आपकी डिलीवरी भी बहुत ईजी हो जाएगी. राइट, ओके. एंड ऑब्वियसली डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स होते हैं, पहले तीन महीने अलग होता है, तो क्या हर टाइम का अलग एक्सरसाइज होती है या कोई एक एक्सरसाइज ऐसी है जो आप शुरू से आखिर तक कर सकते हैं? बेहतर ये होता है कि जब आप स्टार्ट हो आपको प्रेगनेंसी, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे होते, तो एकदम वो आके एकदम स्टार्ट कर दें तो वो भी इट्स नॉट गुड ना, उनके लिए अच्छा नहीं है. तो बेहतर ये होता है कि आप स्टार्ट, जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हुई, तो आप ये स्टार्ट कर दें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज. उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर और एडप्ट कर सकते हैं. जैसे जैसे आपका ट्राइमेस्टर इंक्रीज होते हैं, आपकी जैसे जैसे प्रेगनेंसी ज्यादा होती जाती है, आप अपने एक्सरसाइजेस भी उसके साथ साथ उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं. चले, तो पहले आप मुझे यही सिखा दें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखा दें और आप नोट करते जाए. एंड अगर आप किसी को जानते हैं जो कोई लड़की जो प्रेग्नेंट है, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, उनको भी बताते जाइए. एंड सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो हम ये करते हैं कि पहले किरण हमने तीन उसमें डिवाइड कर लेते हैं. देखे ना, जीरो से लेके 40 to 40 weeks का हमारा पूरा प्रेगनेंसी का होता है, जब से हम कंसीव करती है लेडी और जब वो डिलीवर करती है, तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 0 to 42 weeks or 40 weeks का हो जाता है. ओके, तो उसका हम ये करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं कि पहले 0 to 12 weeks की प्रेगनेंसी हम ले लेते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए. ठीक है, जैसे आप प्रेग्नेंट हुए, आपने कंसीव किया, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें. मैं आपको थोड़ा करके बताती हूँ. आप देखें, पहले जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो बहुत नौजिया और वोमिटिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आप जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें तो सबको काफ़ी रिलीफ मिलता है. ब्रीदिंग में सबसे पहले आप रिलैक्स हों, और क्योंकि देखें इमोशनल और फिजिकल दोनों स्ट्रेसेस, यानी दोनों तरह से आपको प्रॉब्लम आ जाता है, कि एक तो आपकी बॉडी चेंजेस हो रही होती हैं, और जाहिर इंसान जब बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपका मेंटल भी स्टेटस चेंज हो रहा होता है. तो ब्रीदिंग जो है आपको रिलैक्स भी करती है और आपको आपको मदद भी देती है बहुत ज़्यादा. तो पहले आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करें सबसे पहले बैठ के. डीप ब्रीदिंग 5 times आप ये करें. डीप ब्रीद बिल्कुल लें, डीप ब्रीद. ब्रीद इन फ्रॉम द नोज, देन सेकेंड जो है अब आप स्टार्ट ब्रीदिंग, आप अंदर ले नोज में, इनहेल करें नोज से, आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर खींचे, और उसके बाद मुंह से इसको एक्सहेल करें, यानी बाहर निकालें, मुंह से सांस बाहर निकालें स्लोली, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता. आपने ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बहुत ही स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता करनी है, और बिल्कुल रिलैक्स हो के, ऐसा आपका जगह भी ऐसी, एनवायरनमेंट भी ऐसा हो कि जो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, कोई टेंशन ना हो, शोर ना हो रहा हो, आप आराम से कमरे में बैठ के अपने आप को रिलैक्स करें, और फिर नोज से ब्रीथ करके और उसके बाद इससे करें. ओके, अच्छा, अब आपने रिलैक्स के लिए, अब आपका ये होता है कि जब आप रिलैक्स हो गई हैं तो और आपको दूसरी एक्सरसाइजेस आप स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, और आपका अगर जब स्टार्ट होता है फ्रॉम 13 weeks to 26 weeks में ये हो जाता है कि आपकी बेबी की मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है. तो इस वक्त ये हो जाता है कि आपको नॉजिया वोमिटिंग तो इतनी नहीं होती, लेकिन आपके ऊपर बॉडी पे स्ट्रेस, यानी एक बोझ सा शुरू हो जाता है, क्योंकि एक मूवमेंट भी आपको अंदर फील हो रही होती है स्टमक में. तो उसके लिए होता है कि आपको ना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो है ना, क्योंकि आपका जो एब्डोमेन स्टमक होता है, जो पेट है, उसके भी आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उस पर प्रेशर पड़ने लगता है. तो इस वक्त आप अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लेंगे ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा. स्ट्रेचिंग में आप नेक से, यानी अपनी गर्दन से आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करें. टर्न टू, सीधे देखें पहले, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्लोली. ओके, देन दोबारा वापस आए, इसके बाद टर्न लेफ्ट, दोबारा फिर इसी पोजीशन में वापस आके, देन अगेन टर्न, दोबारा राइट साइड पे लें. ओके, सीधे हाथ, इस तरह 5 times आप अपनी नेक की रोटेशन, ये नेक रोटेशन कहलाती है, नेक मूवमेंट, इससे जो स्ट्रेस होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है. रियली? या
क्योंकि आपके जारी माइंड में भी स्ट्रेस होता है, बॉडी जब आपकी वो बढ़ रही है अंदर से हार्मोन्स भी आपके रिलीज हो रहे हैं, तो देखिए ना एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं उससे भी बहुत चेंजेस आती हैं फिजिकल इमोशनल दोनों किस्म की. ठीक तो है ये आपने कि इसके बाद जो आप शोल्डर को अपने रिलैक्स करके और आप शोल्डर जैसे उठाते हैं आप कान तक लेके जाएं, एलिवेट कर कान तक और बिल्कुल स्लोली इसको डाउन करें. अच्छा जितनी एक्सरसाइज आपने बहुत स्लोली करनी, मतलब आपने ये नहीं कि जल्दी जल्दी झटका नहीं देना, बिल्कुल स्लोली और बहुत ज्यादा दफा रिपीट नहीं करनी. इसके बाद एक हैंड की मूवमेंट जैसे हम स्विंगिंग ऑफ हैंड्स करते हैं, आपने यूं स्ट्रेट हाँ ऐसे लेके जाए, बिल्कुल स्ट्रेट यू डाउन बैक देन स्विंग एक लेके जाए फिर दूसरा ऊपर तक. हाँ ऊपर तक पूरा लाइक दिस एंड लाइक दिस पूरा स्विंगिंग ऑफ हैंड्स कहलाता है. मूवमेंट जैसे स्विमिंग टाइप करते हैं ना उस तरह का, दोनों हाथ एक हाँ एक पहले जाएगा फिर इस तरह बाद में. हाँ अच्छा अब आर्म्स हो गए, शोल्डर्स हो गया, नेक किया हमने, नेक हो गई. हाँ. ये तीन हमारे अब हमारे लेग का पार्ट आते हैं. okay. लेग में आप शेकिंग करेंगे जैसे आप हिला रही हैं, एक पहले हिलाएं इसको पूरा करें. ठीक लाइक दैट. हाँ घुटने से लेके पूरा जैसे लेग. हाँ लेग शेकिंग कहलाता है जैसे आप मूवमेंट कर रही है, इससे आपका नीचे का पार्ट जो है वो रिलैक्स होगा. सही. उसके बाद आप सेकेंड लेग को करें. अब इस लास्ट ट्राइमेस्टिक एक्सरसाइजेस क्या है इसमें हम ज्यादा जो देते हैं ना वो हम करते हैं कि स्ट्रेंथनिंग पे. okay. यानी क्योंकि जो आपके मसल्स और वो लूज हो रहे हैं लिगामेंट्स वगैरह उनको हम स्ट्रेंथन करने के लिए ताकत देने के लिए ये वाली एक्सरसाइजेस करवाते हैं. ठीक है दिस इज इट. इसमें आपने आगे की तरफ जाना है जैसे अपनी बैक आपने स्ट्रेट रखनी. ओके क्योंकि वेट आपका इस वक्त ज्यादा होता है आपने बिल्कुल स्ट्रेट आगे जाना है. ओके बिल्कुल अब बिल्कुल स्ट्रेट पीछे हाथ दोनों हाथ यहीं रखें नीस पे बेंड कर लें क्रॉस आपने रखी हुई टांगे अब बिल्कुल स्ट्रेट जो है 5 times आप ये करेंगे. और लेकिन आपके इसमें बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और आपके एब्डोमेन पे वजन नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ आपकी बैक जो है ना वो आगे कमर आगे जानी चाहिए. okay. लेकिन ये ना हो कि आपका ना वजन जो है आपके क्रंच ना हो रहा वो नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इस वक्त वेट ज्यादा होता है स्टमक का. अच्छा दूसरी जो मैं करूंगी उसमें आपको ये दोनों जो आपके हैं ये दोनों आप हाँ इस तरह करके और अपनी तरफ ऊपर उठाएं जैसे सीरियसली. हाँ लाइक दिस. नहीं सिर्फ आपने ये उठाना है खुद नहीं आपने उठना ये थोड़ी डिफिकल्ट है, अगर आप कर सकते हैं तो करें. हाँ लाइक दिस. Okay. थोड़ा सा आपने उठाया है. इससे होता क्या है? इससे आपकी जो नीचे की जो पेल्विक फ्लोर है ना जो मसल्स है ना वो मजबूत हो रही है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं. जब कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं तो वो स्ट्रेंथन करती है मसल्स. right. तो हम बेसिकली ये इसलिए करवाते हैं ताकि आपका जो ये पार्ट है ये तैयार हो जाए डिलीवरी के लिए. राइट उसमें जितने आपके मजबूत होंगे अगर आपको उसको वीक हो रहा होगा तो आपको डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम होगी. तो जितनी आप एक्सरसाइज करके जाएंगी तो उस वक्त जो है क्योंकि पेल्विक बोन पूरी हटती है तो जाके डिलीवरी बेबी आउट होता है. तो okay. तो ये एक्सरसाइजेस हैं. अब बाकी जो है वो हम आपको लेट के okay. बताएंगे. आप जैसे आप नीचे अपने एक टॉवल आप रख लें क्योंकि तो वेट ज्यादा तो अपने वही आर्च में. हाँ आर्च पे एक टॉवल आप रख लें तो वो ज्यादा थोड़ा सा नीचे करके जरा सा लाइक दिस ताकि वो सपोर्ट करे आपके right. वेट को भी. अब आप स्ट्रेट करें लेग और एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन का भी क्योंकि सारी जो ब्लड है वो बेबी तक जा रहा है प्लासेंटा वगैरह तो ब्लड सर्कुलेशन का भी प्रॉब्लम आ जाता है उससे भी आपका बहुत प्रॉब्लम होता है. तो उसकी वजह से एक एंकल पंपिंग हम कहलाती है एक्सरसाइज. वो कैसे करते हैं? उसको आपने एक एक अपने इसको मूव करना इस तरह. ओके इस तरह आप करें 5 times करें. हाँ खुद आगे? हाँ आगे की तरफ आगे और फिर पीछे आगे और पीछे में हाँ दोनों ये टुकने ये भी मोड़ लें मोड़ के. अच्छा अब आपने एक बैंड रखा और एक को आपने स्ट्रेट लिफ्ट करना है सीधा लेके जाए. हाँ इस तरह हाँ लेके जाए 5 times ये करें. ये एक्सरसाइज थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल ठीक है. ये थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल ठीक है. इसको आपने माइल्ड थोड़ा थोड़ा 5 times या 10 times इससे ज्यादा बहुत ज्यादा दफा नहीं करनी जी. लेकिन आप दिन में 3 times अगर 5 times कर लें तो वो बेटर है ज्यादा अच्छा okay. आपके लिए. लेकिन ये सब आपके स्ट्रेंथनिंग के लिए है मसल्स की. wow. ये आपके नीचे के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करता देता है स्ट्रॉन्ग करता है. स्टार्ट आप शुरू से कर सकते हैं जी. लेकिन शुरू में इसलिए था कि नौजिया बहुत होता है तो ब्रीदिंग तो जरूर आप शुरू करें और लास्ट की ये एक्सरसाइजेस भी आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी एडअप करते राइट. तो इसमें आप ये दोनों बेंड करें और आपने ये पोर्शन अपने जो एब्डोमेन की हल्का सा आपने लिफ्ट करना बस ज्यादा नहीं. ओके और एब्डोमेन जो आपका स्टमक है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए बस नीचे. अच्छा इस तरह बस स्लोली उठाना है. उठाना नीचे ला लिफ्ट जैसे डॉक्टर मैन ने भी बताया था कि लिफ्ट करने की एक्सरसाइज ये आपके सारे मसल्स को मजबूत करती है यानी आपके स्टमक के मसल्स को भी आपके बैक मसल्स राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज.